8 अप्रैल को गांधी मैदान में जो महासम्मेलन किया, उस महासम्मेलन की सफलता के लिए हम सभी अपने कार्यकारिणी के सदस्यों को और अभी इसके बाद सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाया है। 2 बजे के बाद उनकी भी बैठक होगी, उसमें इस बात की चर्चा होगी कि आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने एक अच्छी उपस्थिति दिखलाई जिसके चलते हमारा जो सम्मेलन था सफल हुआ और इस सम्मेलन का इतना दूरगामी परिणाम आया है कि नेशनल पार्टियां भी कुछ लोग हैं वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से कंटेक्ट में, वो लोग भी चाह रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में एक पार्टनर के रूप में या उससे राय लेकर के आज समस्त हिंदुस्तान में जो महागठबंधन आगे बढ़ने की बात है जिसमें लालू जी ने एक पहल की है। आज आरक्षण के बारे में बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग यहाँ रामविलास पासवान जी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, मेरे जीते जी आरक्षण को कोई टच नहीं कर सकता है या आरक्षण हम जाने नहीं देंगे, ये लोग दे रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं ये जुमला उनका भरमाने वाली जुमला है, वो इसलिए है कि आज़ादी के बाद 1960 तक पब्लिक सेक्टर में सेवाएँ 80% 85% के आसपास में थी, उस समय आरक्षण का लाभ हमको ज़्यादा मिलता था। आज के दिन में 35% और 40% में सरकारी सेवाएं सिमट गई है, यानी हमारा आरक्षण का 50% कोटा कहीं समाप्त हो गया। दूसरी बात कि 14 लाख वैकेंसियाँ आ रही हैं, वो वैकेंसी बैकलॉग को पूरा अगर करेंगे तो 4 लाख हमारे सरकार को कोटा में आरक्षण मिलेगा। तो कहने का मतलब ये दोनों प्रक्रिया में हमारे आरक्षण को वो लोग तो खा रहे हैं लेकिन जनता को भरमाने के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे रहते किसी भी प्रकार से हम लोग आरक्षण को नहीं करने देंगे।